गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है पर्क्स फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ पॉलिटिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो अभी अलॉटमेंट कर दी गई है बंगलोज़ की जो जिसको कि कैंसिल भी कर दिया गया था सालों पहले फिर भी कई रिकगनाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज़ अभी भी अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन करके बैठी हैं इन प्रॉपर्टीज़ का ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने आर के थ्रू जो है रिवील किया है तो अगर हम देखें तो रिकग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को अमंग मैनी अदर पर्कस जो लैंड है वो सब्सिडाइज रेट पर मिलता है ताकि वो अपने ऑफिसज़ कंस्ट्रक्ट कर सकें जो ये रिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनको उस गवर्नमेंट बंगलों को छोड़ना पड़ता है विद इन थ्री ईयर्स ऑफ लैंड अलॉटमेंट और या फिर उन्होंने जब अपनी बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर ली है उस लैंड पर ठीक है जो भी मतलब पहले टाइम होगा मतलब जब आपको बंगलो दिया गया सरकारी कि आप इससे अब तक काम चलाओ अपने, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का लेकिन आपको या तो तीन साल तक आपका पीरियड पूरा हो चुका हो या फिर आपने जो है आपको जो लैंड सब्सिडाइज रेट पर दिया गया है उसके बाद उस पर आपने अगर अपना ऑफिस बना लिया तो आपको वो जो बंगला बंगलो जो दिया गया था सरकारी वो छोड़ना पड़ता है ठीक है अब नेशनल पार्टीज़ को क्या क्या एंटाइटलमेंट होती हैं तो नेशनल पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज और स्टेट पार्टीज़ जिनके कम से कम सेवन एम हैं टोटल हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज़ में उनको जो है अलाटमेंट ऑफ लैंड दी जाती है सब्सिडाइज रेट पर ताकि वो अपना ऑफिस बिल्डिंग दिल्ली में बना सकें साइज़ ऑफ प्लॉट डिपेंड करता है कि आपकी पार्टी का स्ट्रेंथ कितना है ठीक है तो उनको जो ये गवर्नमेंट बंगलोज़ जो शुरुआत में दिए जाते हैं जब जबकि वो अपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन कर सकें तब तक उनको वो गवर्नमेंट बंगलोज दे दिए जाते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं या तो तीन साल में या फिर जब उन्होंने अपने जो है बना लिए होते हैं ऑफिसेस ठीक है जो सब्सिडाइज रेट ऑफ सब्सिडाइज रेट रे, रे 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 पर जो लैंड मिलता है उस पर बंगलो उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया होता है तो ठीक है तो प्रेमसिस जो है उसको सिर्फ ऑफिस पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जा सकता है जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा नेशनल पार्टी का मतलब जिसकी प्रेजेंस नेशनली है पर ऐसा नहीं है कुछ क्राइटेरिया होता है इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कुछ पार्टीज़ हैं वो एक स्टेट में बहुत डोमिनेट हो सकती है और उनका मेजर नेशनल अफेयर्स में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है लेकिन वो फिर भी रीजनल पार्टीज़ होती हैं ठीक है जैसे डी एम के तमिलनाडु में बी जे डी ओडिशा में ठीक है ये सब रीजनल पार्टीज़ हैं स्टेट पार्टीज़ हैं अगर हम देखें कि क्या बेनिफिट्स और दिए जाते हैं नेशनल पार्टीज़ को तो इलेक्शन सिंबल्स जो है उनके लिए रिज़र्व रखे जाते हैं उनको दिल्ली में लैंड जो है मिलता है सब्सिडाइज रेट पर पार्टी ऑफिस बनाने के लिए फोर्टी स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं उनके पास कोई भी लॉ नहीं है अभी तक स्टार कैंपेनर को डिसाइड करने का ठीक है तो जो स्टार कैंपेनर होते हैं उनके एक्सपेंसिज़ को भी काउंट नहीं किया जाता है तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्टार कैंपेनर्स का और ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ जो हैं आकाशवाणी या दूरदर्शन पर वो भी मिलती है उनको ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस स्टेट और नेशनल पार्टीज़ को सिर्फ एक ही प्रपोजल चाहिए होता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो एन ने रिसेंटली फोर्टी इंडिविजुअल्स जो कि टैरर गैंगस्टर नेटवर्क से लिंक रखते हैं कैनेडा से उनकी लिस्ट जारी की है <coughs> तो एन आई ए जो है आपको पता है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की ये स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सेट करती है काउंटर टेररिज्म में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है इसको 2008 के मुंबई टेरर एक्स अटैक्स के बाद बनाया गया था और ये एजेंसी जो है वो टेरर रिलेटेड क्राइम्स को से डील कर रही है ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन वो एन को दे दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एन को किसी भी शेड्यूल्ड uh, डिफेंस के लिए अक्रॉस द कंट्री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकती है ऐसे ही 2019 की अमेंडमेंट के बाद एन के ऑफिसर्स को पास पावर मिल गई है कि वो आउटसाइड इंडिया भी या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बेसिस पर भी जो है वो बाहर इन्वेस्टिगेशन कंट्री से बाहर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते है। हैं एन के लगभग ट्वेल्व ब्रांच हैं जबकि हेड डेली में सिचुएटेड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ ये टॉपिक्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है आर ने रिसेंटली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को कहा है कि कॉमन डेटा क्वालिटी इंडेक्स बनाओ कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट्स के लिए <coughs> तो सी आई सीज़ ये कमर्श क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ क्या होती हैं पब्लिक डेटा इकट्ठा करती हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन पेमेंट हिस्ट्रीज इंडिविजुअल्स की और कंपनीज़ की रिगार्डिंग लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स इनका प्राइमरी फंक्शन होता है डेटा गैदर करना फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लैंडर्स और उसको कंपाइल करके क्रेडिट रिपोर्ट बनाना बैंक्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सी आई सीज़ की रिपोर्ट्स के ऊपर डिसाइड करते हैं कि, कि किसी बॉर्वर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है तो ये जो सी आई सीज होती हैं ये आर बी आई द्वारा लाइसेंस्ड होती हैं और ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव के अंडर रेगुलेटेड होती हैं कोई भी बैंक इनसे इन्फॉर्मेशन जो लेता है तो ये इन्फॉमेसन इनके पास कहाँ से आई होती है सी आई सी के पास जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इनको दी हैं किसी भी बॉर्वर के बारे में है ना तो करंटली अभी तक चार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ हैं ठीक है जो आपको क्रेडिट रिपोर्ट बनाती हैं सिविल इक्विफैक्स एक्सपीरियन और स्क्रिफ हाई मार्क तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड सिविल जो है सबसे लीडिंग क्रेडिट ब्यूरो और सी है जो लाइसेंस्ड बाय आर है ये लगभग 600 मिलियन इंडिविजुअल्स का अभी तक क्रेडिट फाइल बना चुकी हैं 32 मिलियन बिजनेसेस का भी बना चुकी हैं पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन है जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है सिबिल स्कोर क्या होता है आपका जो जी डिजिट न्यूमेरिक समरी होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की बॉर का क्रेडिट प्रोफाइल जो है पिछले छत्तीस महीने का जो है उसको अकाउंट में लेकर ये क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है तीन से नौ के बीच में होता है जितना हाई होगा उतना ही अच्छा है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बराक टैंक सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेक्स्ट ने जनरेशन टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बराक टैंक बना लिया है फिफ्थ जनरेशन मेन बैटल टैंक है जो कि इसराइल ने बनाया है इसको जॉइंटली डिवेलप किया गया है इसराइल डिफेंस मिनिस्ट्री आर्मर्ड व्हीकल्स डायरेक्टोरेट और आई डी एफ दिफ, इसराइली डिफेंस फोर्सेज के ग्राउंड फोर्सेस और आर्मड क्रॉप कॉप्स द्वारा अब इसमें आर्टिफिशियल बेस सेंसिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं बराक में जो है टच स्क्रीन हैं और ऑपरेशनल एप्लीकेशन स्टोर भी है मिशन के लिए हेल्प करने के लिए इसमें जो है आयरन विजन नाम का एक हेलमेट है जो कि फाइटर जेट पायलट्स के हेलमेट को रिजेंबल करता है रियल टाइम टारगेट लोकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 360 डिग्री स्कैनिंग करना हेड मूवमेंट के थ्रू ये सब उसमें हेल्प करेगा सोल्जर्स को ओवरकम करेगा ये सोल्जर्स के लिए ओवरकम करेगा विजिबिलिटी चैलेंजेस को वेपनरी देखें तो 120 मिलीमीटर mm की स्मूथ बोर गन है लगभग चार किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है टारगेट एडिशनल वेपनरी भी है इसमें 7.62 मिलीमीटर मशीन गन्स के नाम पर और एडवांस्ड विंड ब्रेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिम्बेक्स 23 ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडियन नेवल शिप्स रन विजय एंड कवारती और सबमरीन आई एन सिंधु केसरी अभी सिंगापुर में अराइव हुई हैं थर्टीअ एडिशन ऑफ सिम्बेक्स के लिए तो सिम्बेक्स जो है वो एक एनुअल बायोलेट्रल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी है नाइनटीन से इसको कंडक्ट किया जा रहा है ये लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी अभी तक किसी भी कंट्री के साथ करता आ रहा है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नवाखाई जोहार ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली नवाखाई जोहार के लोगों को ग्रीटिंग्स दी हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सोशल फेस्टिवल है वेस्टर्न ओडिशा और सिमदेगा एरियाज ऑफ झारखंड का तो ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है न्यू राइस को इसमें वेलकम किया जाता है फिफ्थ डे ऑफ लूनर फोर्थ नाइट भद्रपदा मंथ की तब ये ऑब्जर्व किया जाता है और न्यूखाई का मतलब नाइन कलर्स तो इसलिए नाइन सेट्स ऑफ रिचुअल्स इससे एसोसिएटेड होते हैं जो न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप है वो प्रिजाइडिंग डीटीज को ऑफर की जाती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संवत्सरी ये टॉपिक भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली ग्रीटिंग्स दी हैं संवत्सरी के ओकेजन पर संवत्सरी लास्ट डे ऑफ परयुषान श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म को बिलोंग करना एक फेस्टिवल है इस ये शुक्ल पंचमी पर पड़ता है हर साल भद्रपद मंथ में तो जैंस इस टाइम पर फॉरगिवनेस सीख करते हैं इसको एक हम रिचुअल मानते हैं संवत्सरी प्रतिक्रम क्रमणा भी इसमें की जाती है बेसिकली रिट्रीट होता है ये पेरेंस होता है इसमें तो वो जो ये फॉरगिवनेस सीख करते हैं सारे क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड से उसको उसके लिए ये एक वर्ड भी यूज़ करते हैं फ्रेज़ भी यूज़ करते हैं मिच्छमी दुखड़म ओके So, now let us see all these topics in English. <clears throat> so, the first topic is perks for national and state parties this topic is important for your polity section so despite allotment of bungalows which have been cancelled years ago many recognized national and state parties are continuing with the unauthorized occupation of the properties which have been given to them by the government so this data has been really revealed by official records which have been obtained under rti so you know the, that among many other perks recognized national and state parties they also enjoy allotment of land at subsidized rates for constructing their own offices especially in delhi so these recognized parties they have to they have to vacate any government bungalows if the land has been occupied uh, if the land has been uh, allotted to them for construction of their party offices or within 3 years of that allo all allotment of land okay so uh, what are the national parties entitled to so national parties recognized by the uh, the election commission of india and state parties which have at least 7 mps in total in both houses of parliament shall be considered for allotment of land for construction of office building in delhi so the size of the plot will depend on party strength uh, starting with 500 square meter meters for strength up to 15 mps till 4 acres for strength of over 201 mps so they need to vacate any government bungalows upon construction of offices or within three years of the land allotment whichever of course is earlier and these premises must be used only for office purposes so as the name suggests national parties having a presence nationally but don't forget there is a criteria regarding votes and number of uh, uh, mps or seats that they occupy so some parties despite being dominant in a major state and they have a major uh, say in national affairs they would remain regional parties um, so what are the benefits of recognized national parties so of course their the election symbol is reserved for them uh, they are eligible to get land at uh, land in Delhi to build a party office. They can have up to forty star campaigners instead of twenty. There is currently no law which defines the star campaigner. Okay, so they also get broadcast and telecast facilities over Akashwani and Doordarshan during general elections. So recognized state and national parties only need one proposer for filing the nomination. So the next topic is national investigation agency, this topic is important for your security section. national investigation agency has recently issued details of 43 individuals which have been associated with the terror gangster network with links to canada. nia, you know that it is a central counter-terrorism law enforcement agency of india. it aims to stack the standards of excellence in counter-terrorism. it functions under the home affairs ministry. it was created after the 2008 mumbai terror attacks. Uh, and this agency is empowered to deal with uh, terror related crimes. So it works under a written proclamation from the Ministry of Home Affairs. A state government may request the central government to hand over the investigation of a case to the NIA. Central government can also ask the NIA to take over the investigation of any scheduled offense anywhere across the country. And after the 2019 amendment to the NIA Act, officers of NIA also are empowered to investigate scheduled offenses committed outside India. Okay, of course, this would be subject to international treaties and domestic laws of the, those countries. So, the headquarters of NIA is situated in New Delhi, but it has several uh, branches uh, 12 branches across the country. So the next topic is credit information companies this topic is important for your economy section RBI has directed uh, credit information companies to set out a common data equality index for commercial and microfinance segments so cics collect public data credit transactions and payment histories of individuals and companies regarding loans and credits so their primary function is to gather data from various sources like banks financial institutions lenders and other credit granting entities and then they compile this data into credit reports so banks non uh, nbfcs they refer to these reports and uh, they only after that they decide borrower's creditworthiness so CICs, they are licensed by RBI and they are governed by the Credit Information Companies Regulation Act of 2005. Okay. So if a bank seeks information from a CIC, then it will get the information given by other institutions only. Okay. So at present, there are four credit information companies, Sybil, Equifax, Experian, Griff Highmark. Okay. So what is Sybil? sibil is the leading credit bureau and CIC licensed by the RBI and it generates and provide credit reports. It has already filed almost 600 million uh, credit reports for 600 million indivi individuals and 32 million businesses. Uh, Sybil is, uh, India is a part of TransUnion, which is an American multi multinational group. So Sybil score is a three digit numeric score of your credit history and it takes into accounts your accounts, your uh, credit profile over the last 36 months. So the value of credit score may range between 300 to 900. So, the next topic is Barak tank. This topic is important for your security section. So, Israel's Defense Ministry has recently unveiled its next generation tank, the artificially intelligent Barak tank. So, this Barak tank is the fifth generation main battle tank developed by Israel. So, it was developed jointly by Israel Defense Ministry's Armored Vehicles Directorate and IDF's. Uh, ground forces and armored corps it includes artificial intelligence based sensing and processing capabilities it also includes touch screens and an operational application store the tank commander will be equipped with a helmet known as iron vision which will be similar to the one which is used by fighter jet pilots so this device would enable real-time target location and artificial intelligence and 360 degree scanning through head movement this would also enable soldiers to overcome inherent visibility challenges so the weaponry includes a 120mm smoothbore gun and it can fire at distance of up to 4km the additional weaponry consists of a pair of 7.62mm machine guns and it also features the advanced windbreaker missile defense system so the next topic is Simbex 23. This topic is important for your uh, security section. So Indian naval ships Ranvijay and Kavaratti and submarine INS Keshri they have arrived in Singapore to participate in 30th edition of Simbex. Simbex is an annual bilateral naval exercise which has been which are which has been conducted since 1994. It is the longest continuous naval exercise that Indian Navy has conducted within with any other country. So, the next topic is Nyokhai Johar. This topic is important for your art and culture section. So, recently PM Modi has greeted people on the occasion of Nyokhai Johar. So, it is a social festival of Western Odisha and adjoining areas of Simdega in Jharkhand. So, it's an agricultural festival which is observed to welcome new rice of the season. And it is observed on the fifth day of lunar fortnight month of Bhadrapad or Bhadra okay so inyokai is understood to have nine colors that's why there is a consequence nine sets of rituals, rituals uh, which uh, is a prelude to the actual day of celebration so people offer newly harvested rice crop called nabana to their respective presiding deities and after offering this crop people relish different types of delicacies prepared from the newly harvested crop so the next topic is Samvatsari this topic is important for your art and culture section pm modi has recently greeted people on the occasion of samvatsari samvatsari is basically the last day of parushan Svetamba sect of uh, uh, Jain, uh, jainism so it falls on shukla panchami each year in the month of bhadra or bhadrapada uh, which falls between middle of august and september in the gregorian calendar and on this very day Jains forgive and seek forgiveness of, for their mistakes committed knowingly or unknowingly from all living beings. So, this is an ear, yearly penential uh, retreat called Samvatsari Pratikarmana, which is performed on this day. After this Pratikarmana, Jains seek forgiveness from all creatures of the world, including friends and relatives, by uttering the phrase called Mitchami uh, Dukanam or its other variants like kamausa. Uh, उत्तम क्षमा खम खमत खमना ओके सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे वी वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर